नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से, केसी आ रही है। करनाल के जुंडला में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक रोड पर संत रविदास जयंती की जो है ना तैयारियां करते हुए एक 30 वर्षीय युवक संदीप को करंट लगा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक अच्छा काम कर रहा था, रविदास जयंती के मौके पर तैयारी कर रहा था और वहाँ पर बिजली का काम करते हुए उसको अचानक करंट लगा और करंट लगते ही उसकी मौत हो गई। उसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लाया गया, परंतु उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कहीं ना कहीं परिवार में भी मातम है, जो लोग हैं गांव के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं शोकग्रस्त हैं, क्योंकि एक अचानक दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे साथ सरपंच हैं वहाँ के, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला सामने आया, कैसी जानकारी मिली? जयंती की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पिचौली रोड पर गेट लगा रहे थे, उसके शोर शाप फूले फाल लगा रहे थे, ऊपर तार जा रही थी, उसकी कोनी लगने से उसका करंट हो गया, लग गया। तो क्या कार्रवाई की गई, कैसे उसको हॉस्पिटल लाए गए? हाँ, यहाँ उस कल्पना चावला में लाए गए, यहाँ उसकी आधा घंटे के बाद डेथ होगी। अच्छा, तो कहीं लापरवाही कहाँ आई, कहीं बिजली विभाग की तार थी या बिजली की भी लापरवाही थी, और इतना तो क्या पता था ऊपर क्या है, वो नष्ट तो कैसा आसानी, तार बिल्कुल नीचे थी, ज़्यादा ऊपर नहीं थी, ज़्यादा नीचे का तार थी, उसकी वजह से लग गया। हाँ जी, बस्ती में बुझ रही बिल्कुल। हाँ जी, जो मकान बने हुए हैं साथ साथ उनके ऊपर को वो तार गुजरी हुई है, कई बार लिख भी लिया भाई इसको हटा दो, हटाया कोई नहीं गया उसको। इसलिए काम कर रहे थे, क्या किसी चीज की तैयारियां की? वो गेट लगा रहे थे रविदास जयंती पे और उसके फूल फाल लगा रहे थे उस पे गेट पे। कहाँ का मामला है ये? पिचौलिया रोड जुंडला गांव का मामला है। जुंडला गांव? हाँ जी। तो ऐसे अचानक हो गया, तो अकेला ही काम कर रहा था वहाँ पर? और भी था साथ? और भी थे साथी उसके। हाँ जी, दो चार आदमी और थे साथ। आज तो ये अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए यहाँ खड़े हैं, डॉक्टर साहब करेंगे तो जब लेके जाएंगे डेड बॉडी। सरपंच साहब क्या कहेंगे कि जो ऐसे हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही? नहीं, बिजली की तो लापरवाही है ये बिजली बोर्ड की। हाँ जी, कोई सुनता, नीचे तार बहुत ज्यादा नीचे हैं, तार ऊंची होनी चाहिए थी। तो संदीप मामले में भी कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जी, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दो एक लड़का एक लड़की है इस पे। तो पुलिस आ गई, पुलिस को इसकी? हाँ, पुलिस की तलाश दे दी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, अपने कागज को तैयार कर रहे हैं, जो कार्रवाई बनती है उसको कर दी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेहर सिंह जी। तो ये थे मेहर सिंह, जो कि गांव के सरपंच हैं। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है बिजली बोर्ड की भी, और बिजली की जो तारें नीचे हैं, गांव के लोगों का यही कहना है कि लापरवाही सामने आई है, परंतु अभी जो दर्दनाक हादसा है वो गांव में सामने आया है। एक जो रविदास जयंती, संत रविदास जयंती चल रही है, उसके उपलक्ष्य में यह तैयारियाँ चल रही थी और अचानक यह गेट लगाते समय रोड के किनारे करंट लगा और करंट लगने के बाद युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके पास बच्चे भी हैं, शादीशुदा है, और दो बच्चे होने के कारण परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं संकट पैदा हो गया। उसके पालन पोषण का भी मामला है, परिवार को कैसे चलाया जाएगा, उसकी गुजर बसर कैसे होगी, ये भी परिवार के सामने एक सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि उसकी हेल्प भी चाहिए, मदद भी होनी चाहिए। इसी को लेकर उनके पिताजी से जानते हैं कि क्या परिवार के लिए आगे का रास्ता होगा। सर, क्या कहेंगे, परिवार में काफ़ी मातम भी है? मातम बहुत ज़्यादा जी, गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जी। क्या काम करता था संदीप? यही दिहाड़ी मजदूरी करता था जी। तो अब क्या आगे रह के? परिवार कैसे जब पालन पोषण होगा? अब देखो जी, परमात्मा के भरोसे है जी। कोई हेल्प होनी चाहिए? हेल्प होनी चाहिए जी। कितने परिवार के मेम्बर थे इसके, भाई वगैरह कौन कौन है? इसके 3 बच्चे हैं जी मेरे, ये बड़ा था लड़का। बड़ा लड़का है, 3 बच्चे हैं इसके। तो जो उनकी वाइफ है वो काम वगैरह करती है कि नौकरी करती है? नहीं जी, इसी के सहारे काम चल रहा था। तो ये थे संदीप के पिता, उनका कहना है कि परिवार में एक अकेला ही कमाने वाला था और वही चल बसा है, तो कहीं ना कहीं परिवार के जो बच्चों का पालन पोषण अब बड़ा ही मुश्किल होगा। तो उनकी गुजारिश है कि समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से उनकी हेल्प की जाए। सर, क्या कहेंगे कि एक दुखद भरी घटना है? और इसमें बहुत दुखद घटना है जी ये, कि कल गुरु रविदास जयंती थी तो उसमें स्वागत गेट लगा रहे थे ये बच्चे, तो सारे के सारे जितने भी थे वहाँ, बच्चे तो और ज़्यादा थे, 30-40 होंगे या कम से कम, पर ऊपर जो काम कर रहे थे, जो स्वागत गेट बना रहे थे, वो 3-4 ही थे। तो अचानक इसका कोनी लगी, ऊपर HT लाइन थी, और वो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए,
सारे मकानों के ऊपर से गुजरी हुई है अवतार। कई बार बोल भी दिया, कई बार उनको बोल भी दिया, एप्लीकेशन दे दी, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो अब ये गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके बेचारा अपना पेट पाल रहे थे, बच्चों को पाल रहा था, अब रोटियों के भी लाले पड़ गए। एक तो वैसे ही सरकार ने सारे रोजगार बंद कर दिए, लॉकडाउन की वजह से कितनी दिक्कत आई है, हैं जी। अब थोड़े बहुत काम चलने लगा था, अभी इसका बेचारा का हादसा हो गया, भूखे मरने का वो हो गया जी। जो गवर्नमेंट या जैसे भी रेड क्रॉस सोसाइटी या समाज जो भी मतलब हेल्प हो सके इसकी करे, वो हाँ जी परिवार की मदद करे। मेरा नाम राजपाल बोला। तो इतने राजपाल, इनका भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से चाहे सामाजिक संस्थाएं, गांव के लोग परिवार की हेल्प करें, सहायता करें, क्योंकि छोटा परिवार है, बच्चे हैं, परंतु अचानक आई मौत से कहीं ना कहीं परिवार में भी, गांव के लोगों में भी इसका जो है ना कहीं ना कहीं शोक है, दुख है, दर्दनाक मौत हुई अचानक आई मौत से, सभी लोग परिवार के दुखी हैं। फिलहाल उनके सबकी गुजारिश है कि समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से परिवार को कोई ना कोई सहायता जरूर मिलनी चाहिए। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।